हेलो एंड वेलकम टू अवर ENT चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे पूरे चैनल देखते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और इसी में हमने हमारे दर्शक ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि एक सवाल यह है कि जब कान के थप्पड़ पे कोई मतलब कान पे कोई इंजरी हो जाती है या थप्पड़ पड़ता है तो खाली कान के पर्दे पे ही इफेक्ट होता है या फिर उसके अंदर की और हड्डियों में भी इफेक्ट कर सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली पर्दे पे सबसे पहले इफेक्ट होता है, पर वो जो पर्दा फटता है तो आप ये समझिए कि जो हाथ है वो कान के अंदर तो जा नहीं रहा है, फिर पर्दा फटता कैसे है जब पर्दा इतना अंदर छुपा हुआ है। इतनी जोर से तमाचा पड़ता है वो कान में सारी हवा को कंप्रेस कर देता है, तो फिर जो हवा का जो ब्लास्ट है वो पर्दे को रप्चर करता है, तो ये प्रेशर से पर्दा फटा, फिर वही प्रेशर इतनी तेजी से अंदर जाता है। हड्डियों से ज़्यादा कान के पर्दे के अंदर एक और पर्दा होता है जैसे राउंड विंडो मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो इनर ईयर की एक ट्यूब का पर्दा होता है, तो कई बार राउंड विंडो मेम्ब्रेन रप्चर होने से या वो हड्डियों को भी जोर से हिलने से, क्योंकि जब पर्दा फटा तो पर्दा जोर से हिलेगा और जो तीन हड्डियाँ मैलियस इंकस टेपिस मैलियस तो सीधा पर्दे से जुड़ी है, तो वो हड्डियों में भी कुछ फ्रैक्चर हो सकता है। राउंड विंडो मेम्ब्रेन जो इनर ईयर इंजरी हो सकती है जिन्हें हम और कई बार कंकशन इंजरी होती है जैसे कि सुनाई की नस भी खराब हो सकती है, तो इसीलिए जब भी कुछ कान में चोट लगती है तो सुनाई की जांच अवश्य करानी चाहिए और अगर उसमें कान की नस सुन हो गई है तो इमिडिएटली स्टीरॉयड भी दिए जाते हैं। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है आपके दर्शक ने ने पूछा है, तो हमेशा चोट लगने पे पर्दा हड्डी और इनर ईयर इंजरी किसी को भी चोट लग सकती है। अच्छा सर, इसमें क्या होता है कई बारी मान लीजिए आज गर्मा गर्मी में चोट लग भी गई, कुछ हो गया, फिर वो दो या तीन दिन तक अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो निग्लेक्ट कर देते हैं और फिर तीन या चार दिन के बाद उन्हें कंप्लेंट होती है कि हमें दर्द हो रहा है या भारीपन है कुछ उस हिसाब से, तो आपका क्या राय है इसमें कि हमेशा ये दो या तीन दिन के पीरियड के बाद ही क्यों मतलब ये दर्द शुरू होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जिसको चोट लगी है तो वो तो वैसे ही परेशान होती है लेडीज, और अगर हस्बैंड का रोल सपोर्टिव ना हो तो वो इमिडिएटली ENT डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ऐसे में रो रो के नाक बंद हो गई होती है और इन्फेक्शन होने का भी रिस्क बढ़ जाता है, और बाय चांस घर में किसी ने सजेस्ट किया हो तेल डाल लो या कोई भी रैंडम ईयर ड्रॉप डाल लिया हो तो उससे तो और ब्लंडर हो जाता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और तीन चार दिन के बाद ENT डॉक्टर पे पहुंचना बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो तीन चार दिन बाद नहीं उसको इमिडिएटली ENT डॉक्टर को सीख करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर चोट या जिस समय भी आपके साथ हादसा हुआ है सबसे पहले तो प्लीज अवॉइड करें यूं ही कुछ भी रैंडमली ईयर ड्रॉप या ऑयल या कोई भी ऐसी चीज डालने में। Exactly. और फिर तीन दिन तक आप वेट कर रहे हैं या चार दिन तक वेट कर रहे हैं, वो वेट करना भी ज्यादा सही नहीं है। बेटर है कि जब इंसिडेंट हुआ है तुरंत ही अपने ENT डॉक्टर को दिखाएं और आगे के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन लें। और ऐसा चिंता ये वाली बात तब भी है कि अगर आपको दो या तीन दिन तक कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप सोचेंगे शायद सब ठीक है, तो ये रिस्क ना ले तो ज्यादा बेहतर है। और एक बात और है कि ये देखा गया है कि वो कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अचानक उन्हें इमिडिएटली सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कान में इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो 6 से 8 हफ्ते में अराउंड मोर देन 90% कान के पर्दे का छेद अपने आप भर जाता है, तो मैं ये बोलूँगा कम से कम आप 2 महीने वेट करिए या 3 महीने वेट करिए, अगर आपका कान का पर्दा चोट लगने के कारण फटा है तो वो अपने आप भर जाएगा।